तो कहानी की शुरुआत में हम एक मर्डर प्लानिंग देख पाते हैं। यहाँ पे एक नारियल वाला आता है और नारियल मिस्टर कपूर के यहाँ रख के चला जाता है, लेकिन उसका नेबर था मिस्टर आहूजा। सो ये आके उस नारियल में ब्रोमेथिलिन नाम का एक जहर इंजेक्शन के जरिए उसके नारियल में मिला देते हैं, उसके नारियल पानी में मिला देते हैं। सो मिलाने के बाद मिस्टर आहूजा जैसे था नारियल और स्ट्रॉ वगैरह वैसा रख के वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर कपूर यहाँ पे आता है और उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं। लाइक वो नारियल का पॉलीथिन और कचरा ये सब मिस्टर आहूजा के दरवाजे में फेंक के चला जाता है अंदर नारियल पानी पीने, और नारियल पानी पी के फिर वो बाहर आता है। मिस्टर कपूर के यहाँ न्यूज़पेपर आया था तो यहाँ पे वो अपना नारियल छोड़ के मतलब ऐसे फेंक देता है, कचरे के मापे फेंक देता है वो नारियल। उसके बाद वो पेपर से स्पोर्ट्स पेज ले लेता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका बहुत कनेक्शन है, सो इन घटनाओं को आपको याद रखना होगा। ओके, तो अंदर जाके वो मर भी जाता है। और यहाँ पे मैं और एक बात कहना भूल गया, तो मिस्टर कपूर जब नारियल पानी पीता है वो पहले तो स्ट्रॉ से पीता है, लेकिन बाद में वो स्ट्रॉ फेंक देता है, ऐसे ही नारियल पानी पी लेता है। इसको भी थोड़ा याद रखना क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉ में एक्चुअली मिस्टर आहूजा का उंगलियों के निशान रह गया था। फिर इस लाश को लेने के लिए आदमी आते हैं और इसे ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुनील को, जो कि यहाँ पे सोनू के किरदार में है, तो उनका किरदार ऐसा है कि उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, और मतलब इतना पसंद है कि जो चीज जहाँ पे रखा है वो वहाँ पे ही रहना चाहिए। लाइक वो ऑफिस निकलते वक्त अपना फ्लोर मैट भी ठीक करके जाता है, और जाते टाइम कचरा लेके जाता है और उसको भी डस्टबिन में पूरा ऐसे जगह निकाल निकाल के डालता है। मतलब डस्टबिन में जगह नहीं था, लाइक जैसे हम लोग सामान रखते है ना, वो वैसे डस्टबिन में पूरा उस कचरे को रखे आता है। और जाते जाते उसके हाथ से एक बोतल गिर गया था, इसको भी थोड़ा याद रखना क्योंकि आगे ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो पुलिस वाले यहाँ पे, इस सोसाइटी का नाम है सनफ्लावर, सो पुलिस वाले यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हम मेन दो पुलिस वालों को देख पाएंगे आगे, इनका नाम है दिग्गी और इसका नाम है चेतन तांबे। तो पुलिस यहाँ पे सबको एक एक करके इंटरोगेट कर ही रही थी, तो यहाँ पे सोनू आगे आता है और बोलता है बिल्डिंग में काफी मर्डर वगैरह हो रहे हैं, इसीलिए दिग्गी यहाँ पे पूछता है, सोनू को पूछता है कि तुमको कैसे पता ये मर्डर है, ये नॉर्मल डेथ भी तो हो सकता है। मतलब तीकी को सोनू सस्पिशियस लगने लगता है, तो उसे वही रूटीन सवाल पूछने लगते हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थे, कहाँ पे काम करते हो वगैरह वगैरह। फिर मिस्टर और मिसेस आहूजा को भी पूछा जाता है वही रूटीन सवाल, मिस्टर कपूर के साथ झगड़ा वगैरह था कि नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर आहूजा बचने के लिए बोल देता है कि उसके साथ कुछ झगड़ा वगैरह नहीं था, लेकिन हम एज ए व्यूअर देख पाते हैं कि उसको पार्किंग के लिए झगड़ा और भी बहुत सारे, आगे हम जान पाएंगे बहुत सारे चीजों के लिए उसके साथ झगड़ा वगैरह होता था। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं चेतन सनफ्लावर सोसाइटी में एक मेड थी जिसका नाम होता है कामिनी भाई, तो चेतन उससे कुछ पूछताछ कर रहा था, लाइक मिस्टर कपूर का किसी के साथ चक्कर वगैरह था कि नहीं, इसी टाइप का सब रूटीन सवाल उससे पूछ रहा था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देख पाते हैं सोनू के ऑफिस में। सोनू एक लड़की को मन ही मन पसंद करता है और इस लड़की का नाम सीरीज में बताया नहीं गया, तो मैं इसको सोलोनी के रेफरेंस के लिए सोलोनी बुला देता हूँ। सो सोनू यहाँ पे एक केक भेजा था, लेकिन इस पे भेजने वाले का नाम नहीं था, इसीलिए सलोनी को यहाँ पे पता नहीं है कि ये केक सोनू ने भेजा है। सो वो केक पाइनएप्पल फ्लेवर का था, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सलोनी को पाइनएप्पल से एलर्जी होता है, जो कि सोनू को पता नहीं था, इसीलिए उसे खांसी आने लगता है, लाइक सलोनी को बहुत खांसी आने लगता है। तो यहाँ पे सोनू उसे प्रपोज करने ही जा रहा था, तब खांसी वगैरह देख के वो पीछे आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके हम और कुछ कैरेक्टर देखते हैं, इसका नाम होता है जस्टिना और ये इसकी दोस्त जो जिसका नाम होता है गुल्लिन, और हमें आगे पता चला है कि गुल्लिन यहाँ पे गाना गाने आई है और जस्टिना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और ये दोनों 802 में रहने वाले थे जो कि सोनू के पास ही वाला फ्लैट था, सोनू 801 में रहता था। और यहाँ पे पुलिस वालों को भी पता लग गया था कि मिस्टर कपूर का मर्डर हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया था कि उसका ब्रोमेथिलिन के वजह से मौत हुआ है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि अगर तुम किसी को ब्रोमेथिलिन दोगे तो उसको मरने में 10 घंटे लगता है, लेकिन इस केस में 15-20 मिनट में ही मिस्टर कपूर मर गया। तो यहाँ पे दिग्गी बोलता है कि अगर किसी क्रिटिकल पेशेंट यानी कि किसी को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका मौत 1-2 घंटे में हो सकता है।
सकता है, इसीलिए कातिल को पता ही नहीं था कि मिस्टर कपूर डायबिटिक थे। तो दिग्गी को तो पहले से ही सोनू पे शक था, इसीलिए वो डायरेक्ट सोनू के घर जाता है। यहाँ पे दिग्गी और तांबे ये दोनों पहले से ही सीसीटीवी में देख लिए थे कि सोनू ऐसे डस्टबिन में कचरे को आराम से रखता है, जैसे कि मान लो कोई सबूत छुपाने का कोशिश कर रहा है। तो ये क्लिप देख के उनको थोड़ा शक हो गया था, इसीलिए ये लोग वही कचरा उठा के सोनू के पास ले आए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस दिन मर्डर हुआ मिस्टर कपूर का, उस दिन मिस्टर कपूर भी वही चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना मंगाए थे, और उसी दिन सोनू भी वही चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था लेकिन खाया नहीं। इसीलिए दिग्गी यहाँ पे पूछता है तुमने खाया क्यों नहीं, तो सोनू यहाँ पे बोलता है वो डिलीवरी वाले ने खाना लाने में बहुत देर कर दिया, तब तक वो कुछ खा चुका था इसीलिए वो खाया नहीं। और इस ऑर्डर किया गया खाना को वो फ्रिज में भी रख नहीं सकता क्योंकि फ्रिज उसका खराब है, एक चूहे ने उसके फ्रिज के तार को काट दिया इसीलिए उसका फ्रिज चल नहीं रहा है, लेकिन चेक करने पर फ्रिज चल रहा था। तो जवाब में सोनू बोलता है कि फ्रिज कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता है। तो ये सुनने के बाद चेतन और दिग्गी दोनों को सोनू के ऊपर और भी डाउट होने लगता है। तो यहाँ पे हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कि मिस्टर और मिसेस आहूजा यहाँ पे अपना पर्सनल काम कर रहे थे, कपूर यहाँ पे टिटी खेल रहा था। तो टिटी की आवाज सुन के मिस्टर आहूजा यहाँ पे परेशान होके कपूर के यहाँ जाता है और इन दोनों का फिर से बहसबाजी शुरू। और यहाँ पे मिस्टर आहूजा को याद आता है कि वो नारियल पानी में वो जहर मिलाया था और उसके स्ट्रॉ में उसका फिंगरप्रिंट, मतलब मिस्टर आहूजा का फिंगरप्रिंट तो रह गया होगा, इसीलिए वो पहले तो आहूजा और कपूर इन दोनों के घर में एक कनेक्टर था उससे ट्राई करता है, लेकिन उस रास्ते में वो जा नहीं पाता इसलिए उसे डर लगता है, वो वापस चला आता है। बाद में वो बाथरूम जाके उसके भेंट के जरिए मिस्टर कपूर के घर जाता है वही स्ट्रॉ ढूंढने के लिए। और यहाँ पर ये खोज ही रहा था, चेतन यहाँ पे किसी को लेके आता है और ये दोनों चालू हो जाते हैं ऊपर, मतलब कहीं पे फ्लैट या ओयो रूम बुक कर लो ना, ये मतलब इधर खून हुआ है इधर ही आके तुमको ये सब करना है। खैर आहूजा यहाँ पे वेट करते करते सो जाता है इधर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले आए थे इधर और भी एविडेंस सब कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे एक पुलिस वाला तो आहूजा जिस सोफे के नीचे लेटा हुआ था, मतलब छुपा हुआ था, वहाँ पे एक चश्मा गिरा था, वो चश्मा को देखता है लेकिन उसके जस्ट सामने आहूजा लेटा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है, वो उसे दिखाई नहीं देता। खैर यहाँ पे ये लोग वो स्ट्रॉ को तो आखिरकार देख ही लेते हैं और उसे एविडेंस में, एविडेंस का जो पॉलिथिन होता है ना इसमें डाल के ले जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पुलिस वाले वो डिलीवरी वाले को पकड़ते हैं जो चाइनीज उस दिन सोनू और मिस्टर कपूर इन दोनों के घर गया था खाना डिलीवर करने के लिए। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे दिग्गी फिर से सोनू के पास आते हैं इंट्रोगेशन के लिए और यहाँ पे हमें पता चलता है उस दिन क्या हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं वो डिलीवरी वाला के पास दो पैकेट था, एक सोनू के लिए और एक मिस्टर कपूर के लिए, लेकिन यहाँ पे सोनू को पता नहीं था कि ये दूसरा जो पैकेट है वो किसका है। वो डिलीवरी वाला पर्स बहुत गंदा कर दिया था इसीलिए सोनू यहाँ पे उसका दो ही पैकेट जो था वो अपने घर ले जाता है और उसे एक कपड़ा देता है साफ करने के लिए। इसी बीच वो डिलीवरी वाला जो पर्स साफ कर रहा था, साफ करने के बाद वो चुपके से देखता है सोनू क्या कर रहा था। तो यहाँ पे हम एज ए व्यूअर देख पाते हैं कि सोनू उसी ब्रोमेथिलिन जहर को एक लड्डू जैसा था उस लड्डू में डाल रहा था। और यहाँ पे पूछने पर सोनू यही बोलता है कि मैं वो लड्डू में डाल रहा था क्योंकि वो लड्डू को घर के चारों तरफ रखता हूँ और जो चूहा था ना उसके घर में, वो चूहा आके वो लड्डू खा जाए और बाद में मर जाए। और यहाँ हम एज ए व्यूअर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया था कि वो ब्रोमेथिलिन किसी पैकेट में डाल रहा है, मतलब वो खाने के पैकेट में डाल रहा है, ये बात थोड़ा याद रखना क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। फिर दिग्गी यहाँ पे मिस्टर आहूजा के पास जाता है वही सब रूटीन क्वेश्चन करने के लिए। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं सोनू के ऑफिस में, सोलोनी यहाँ पे पूछताछ कर रही थी उसी डिलीवरी वाले से उस दिन केक किसने भेजा था। तो यहाँ पे वो डिलीवरी वाला कुछ बताता नहीं है लेकिन वो डिलीवरी वाले का पैसा बाकी था, सो पैसे देने कोई तो जरूर आएगा, इसीलिए सलोनी यहाँ पे वेट करती है। सोनू ये बात जानता था इसीलिए वो एक दोस्त को वो पैसे देने के लिए भेज देता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे सलोनी वही दोस्त, मतलब सोनू का जो दोस्त था, उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। लाइक यहाँ पे सोनू को लग रहा था कि अगर मैं जाऊँगा तब फंस सकता हूँ क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली सलोनी को
अच्छा नहीं लगा था केक, क्योंकि पाइनएप्पल से उसका एलर्जी है। सो लेकिन किस्मत यहाँ पे उल्टा पड़ गया, और यहाँ पे सलोनी सोनू के दोस्त जो कि कुछ भी नहीं किया था उसके लिए मतलब इम्प्रेस हो गई थी। तो थोड़ी देर में हमें और भी पता चलेगा सोनू का किस्मत और भी खराब है। और यहाँ पे ऑफिस में हम देख पाते हैं कि सोनू यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था उसमें वो चीज मतलब जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ है वो सब प्रोडक्ट वो गिन रहा था। इसी बीच उसका एक दोस्त मजे उठाने के लिए वहां से एक प्रोडक्ट ले लेता है और उसके जगह और एक प्रोडक्ट वहां पे रख देता है, जैसे कि सोनू की गिनती जो है वो गलत हो जाए। और सोनू जो कि इतने देर से वो सब गिन रहा था वो गलत हो गया, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में वो लिपस्टिक को अपने जेब में रख के घर ले जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जस्टिना और गर्लिन इन दोनों के घर में एक पार्टी था। यहाँ पे गर्लिन बाहर आके अपने पति और ससुर के साथ बात कर रही थी। बेसिकली उन लोगों का झगड़ा चल रहा था कि उनके घर में गर्लिन मुंबई आके गाना गाए, ये सब इनको पसंद नहीं था। तो सोनू यहाँ पे घुस के मतलब इनके मामले में घुस के उसके ससुर को समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ससुर और भी भड़क जाता है। और यहाँ पे कुछ देर में हमें पता चलता है कि उसका ससुर पंजाब पुलिस में है, तो वो तुरंत सोनू का लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे वो पार्टी में गर्लिन यहाँ पे सोनू को पार्टी में इनवाइट करती है। उसके बाद इन लोगों की जान पहचान हो जाता है, इसीलिए जस्टिना के जितने भी सारे गेस्ट थे ये लोग सोनू के घर में भी आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। और उसके घर में एक लड़की थी जो कि वॉशरूम गई थी, और वॉशरूम में वही लिपस्टिक वो देखती है। तो लिपस्टिक देख के लड़की पोतना चालू फिर पता नहीं वो लिपस्टिक में क्या था, वो लिपस्टिक पोत के वो सबको किस करने लगती है। बड़ा ही अजीब सा प्रोडक्ट है पता नहीं, और वो लिपस्टिक अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर हम एक मरा हुआ चूहा को भी देख पाते हैं जो कि वही चेयर खा के मरा होगा। नेक्स्ट डे फिर से हम सोनू के ऑफिस में देख पाते हैं। सोनू एक पैंट पहन के आया था जो कि बहुत टाइट था, इसीलिए वो वॉशरूम में जाता है चेंज करने के लिए, और वो पैंट वो बाहर टांग लिया था, इसीलिए उस ऑफिस का एक कोई आदमी वो पैंट चुरा के भाग जाता है। फिर से सोनू यहाँ पे किस्मत खराब इसका, तो वो पूरा नाइट इंतजार करता है। ऑफिस के सारे लोग घर जाते हैं, उसके बाद ये उसके ऑफिस में एक स्कर्ट जैसा कुछ था, वो जो पुतला होता है ना उसको पहनाता है स्कर्ट वगैरह, तो वो स्कर्ट पहन के वो चला जाता है। लेकिन ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था, सो ये सीसीटीवी वाली बात याद रखना क्योंकि आगे थोड़ा 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 कनेक्शन है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं सनफ्लावर सोसाइटी में मिस्टर आहूजा वही नारियल का पानी जो पी के मिस्टर कपूर मरे थे, वही नारियल को वो बहुत बार फेंकने का कोशिश किए, लेकिन नीचे हमेशा पुलिस रहती थी, लाइक वो चेक कर रही थी कि क्या चीज कौन फेंक रहा है, इसीलिए वो एक दो दिन तक उस नारियल को अपने घर में रखे। बाद में बहुत हिम्मत करके वो लिप में जा रहे थे इस नारियल को फेंकने के लिए, लेकिन तभी सोनू वहां पे आ जाता है और डर के मारे वो नारियल उसके घर के सामने ही रख के चले जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मिस्टर आहूजा को पता ही था पुलिस यहाँ पे सोनू के ऊपर शक कर रहे, इसीलिए जानबूझ के वो नारियल वहाँ पे छोड़ के वो चले जाते हैं। तो सोनू यहाँ पे उसको ये साफ सफाई वगैरह पसंद है, इसीलिए वो ये गंदा नारियल को किसी और डस्टबिन वगैरह में तो फेंक सकता था, लेकिन नहीं, इसका किस्मत इतना खराब है ये वो नारियल को लेके अपने ही डस्टबिन में डालता है, मतलब घर के अंदर जो डस्टबिन रखा हुआ रहता है ना उस पे जाके डालता है। उसके बाद हम देख पाते हैं सोनू के घर में बहुत सारे वही ब्लैंक इंजेक्शन था, तो ये किस लिए था हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम देख पाते हैं एक फ्लैशबैक वही पार्किंग को लेके, कैसे मिस्टर कपूर और मिस्टर आहूजा इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और मिस्टर आहूजा हमेशा प्लान करते थे कैसे इस कपूर को मारा जाए। तो यहाँ पे ये लोग उसी नारियल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले वही नारियल वाला आया था, और उनसे वही पुलिस वालों को पता चलता है कि वो नारियल वाला उस दिन कपूर के यहाँ नारियल दे के गया था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं सोनू वही इंजेक्शन वाली पेटी को एक फार्मासिस्ट के यहाँ बेचने के लिए गया था, और वहाँ पे उसको दो पुलिस वाले फॉलो करते हैं। इधर सनफ्लावर सोसाइटी में पुलिस वालों को एक चिड़िया के घोंसले में वही बोतल मिलता है, ब्रोमेथिलीन का एक बोतल मिलता है जो पहले में बताया था सोनू गलती से उसे फेंक दिया था, याद रखने के लिए बोला था, वही बोतल यहाँ पे पुलिस वालों को मिलता है। तो चेतन यहाँ पे सोनू के ऑफिस जाके उसको ले आता है, और जाते जाते बोलता है कि सोनू पुलिस के साथ भी काम करता है, मतलब केस सॉल्व करने में उनका मदद कर रहा है। तो ये
बात सुन के सलोनी सोनू से पट जाती है, मतलब खतरनाक मूड स्विंग। ब्रोमेथिलिन और ये इंजेक्शन की पेटी के बारे में पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। तो यहाँ पे सिंपल जवाब होता है सोनू का कि ब्रोमेथिलिन तो वो चूहा के लिए रखा था और वो इंजेक्शन पेटी दरअसल वो 2 महीने पहले एक मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव था। तो मेडिसिन वगैरह और ये इंजेक्शन की पेटी उसके कंपनी के तरफ से ही उसके घर में था। तो यहाँ पे वो फोन करते हैं उसके प्रीवियस कंपनी में जो काम करते हैं उन लोगों को फोन करते हैं, तो उनसे भी हमें पता चलता है कि असल में 2 महीने पहले MR था और बाद में वो जॉब छोड़ दिया है। और यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन से सीधा ऑफिस आता है और ऑफिस आते ही हम देख पाते हैं उस कंपनी का जो ओनर था वो सबके ऊपर भड़क रहा था और बोल रहा था कि कोई तो है वो उन लोगों का प्रोडक्ट, मतलब वो जो लड़की उस दिन लिपस्टिक लगा के सबको किस कर रही थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उस ओनर की बेटी है, उस कंपनी के ओनर की बेटी है और उससे वो लिपस्टिक उन्हें मिला है क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक बाहर लॉन्च नहीं हुआ था, ये मतलब बीटा स्टेज मान लो उस स्टेज में था। इसीलिए वो CEO सबके ऊपर गुस्सा करता है कि कौन हमारा प्रोडक्ट लीक कर रहा है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये बात सोनू देख लेता है। फिर सलोनी यहाँ पे सोनू से पट गई थी। उसके बाद साथ में ये लोग क्लब जाते हैं। तो यहाँ पे क्लब में जाके सलोनी यहाँ पे सोनू को बॉलीवुड का फेवरेट डोज दे देती है। तो यहाँ पे सोनू ट्रिपिंग बाबा जी की बूटी। तो सोनू यहाँ पे नशे की हालत में क्या कर रहा था खुद को भी नहीं पता। सो यहाँ पे जस्टिना और गर्लिन भी आई थी। जस्टिना यहाँ पे सोनू के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है। तो ये देख के सलोनी इंस्टेंटली ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर में हम देख पाते हैं सोनू यहाँ पे गर्लिन के घर में है आधा नंगा। फिर वो जाने के बाद पता नहीं वो अपना फ्लैट का चाबी भी उसके पास नहीं था, तो उसी टाइम उसको खोजते खोजते उस कंपनी का CEO और उसकी बेटी वो वहाँ पे चले आते हैं। तो ये देख के वो कहाँ जाए कहाँ छुपे करके वो खिड़कियों के रास्ते एक बुड्ढे के कमरे में चला जाता है। सोनू एक बुड्ढे के कमरे में चला जाता है और वहाँ उसको हार्ट अटैक आ रहा था, तो वो उसे मतलब उसके घर में पैंट शर्ट सब पहन के उसको हॉस्पिटल एडमिट करता है। लेकिन हॉस्पिटल में पता चलता है कि उस बुड्ढे का कोई हार्ट अटैक कुछ नहीं था, उसका गैस हो गया था। दूसरी तरफ यहाँ पे सोनू के ऑफिस में सबको पता चल गया था कि सोनू ने ही वो लिपस्टिक चुराया है क्योंकि ये लोग वो CCTV में देख लिए थे। सोनू यहाँ पे वो लड़की का जो पुतला था ना उसका स्कर्ट पहन रहा था, वो CCTV फुटेज ये देख लिए थे। और सोनू को देख के कंपनी के ओनर की बेटी पहचान जाती है कि ये वही है जिसके घर में हम लोग गए थे पार्टी करने के लिए। और सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते हैं गुरलिन को जो कि इंडियन आइडल में गई थी गाना गाने के लिए, और वहां पे जाके वो पहले तो जजेस के सामने बोलती है कि मतलब वो अपना बैक स्टोरी बोलती है कैसे उसका घर वाले उसको गाने नहीं देते वगैरह वगैरह। फिर वो कुछ इस तरीके से गाती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो लोग टीवी सीरीज देख लिए होंगे वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का गाना देख के जजेस यहाँ पे पहली फुर्सत में निकल के उसको निकाल देते हैं। सुर को काटा, इतने टुकड़ों में बांटा, अब ना रहा तवा और ना रहा आटा। और यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि उसका घर वाले क्यों नहीं चाहते थे वो गाना गाए। खैर, फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं चेतन को जो कि कपूर के एक्स वाइफ के यहाँ गया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कपूर की बीबी ने कपूर के छोटे भाई से शादी कर ली है और इधर पूरा भाभी देवर का चल रहा है। और दिग्गी यहाँ पे फिर से मिस्टर आहूजा के यहाँ गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। और वहाँ पे वो बाथरूम के अंदर जब जाता है तब वही वेंट ओपन था, तो वो वही देख के उसे सवाल करता है कि ये वेंट ओपन क्यों है। और अभी दिग्गी का मिस्टर आहूजा के ऊपर शक और भी बढ़ गया था। और ये बात जब वो पुलिस स्टेशन जाता है चेतन को बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो और एक बात सामने आ जाता है। एक फोटो मिला था जिसमें कि कपूर और सोनू एक ही फोटो में थे, ये दोनों एक ही फोटो में थे। सो पुलिस पूछताछ करने के लिए उसी लड़की के घर जाते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ा बैक स्टोरी दिखाया जाता है।
सो हमें पता चलता है कि सोनू की वो लड़की सोनू की एक्स गर्लफ्रेंड है। उस लड़की का नाम होता है जूही और जूही यहाँ पे मिस्टर कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी होती है। तो मिस्टर कपूर के यहाँ एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आया था, वो जूही को पसंद कर रहा था, इसलिए मिस्टर कपूर जूही का और उस बड़े से बिजनेसमैन का सेटिंग करने में लग जाता है और सोनू के बारे में बिचिंग करने लग जाता है, लाइक वो ऐसा है वो वैसा है ऐसा करने लग जाता है। और ये बात सोनू पीछे के सीट में बैठ के सब सुन रहा था और यहाँ पे वो दोनों को हेलो बोल के वहाँ से हंस के चला जाता है। तो यहाँ पे पुलिस को मोटिव मिल गया था, कातिल और कोई नहीं सोनू है। सो ये लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो सोनू खूनी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा दो थ्योरी। फिर यहाँ पे पुलिस चारों तरफ सोनू को ढूंढ रही थी। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल से निकलकर सोनू एक चाबी वाले के पास जाता है उसका घर का चाबी बनाने के लिए। सो उस दुकान वाले के पास कोई नहीं था, इसीलिए सोनू यहाँ पे सजेस्ट करता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी दुकान पे रुकता हूँ, तुम तब तक मेरे घर पे जाके उस ताले का चाबी बना के मेरे पास ले आना। यहाँ पे ये आदमी सोनू के घर का चाबी बना ही रहा था तब पुलिस आ जाती है वहाँ पे। तो पुलिस के पूछने पर सोनू कहाँ है ये बताता है कि मेरे दुकान में है। सो दिगी यहाँ पे चेतन को बोलता है तुम उसके दुकान में जाओ और सोनू को लेके आओ, लेकिन इसी बीच सोनू को कोई और ही किडनैप करके ले जाता है। और यहाँ पे पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। सो उसके घर में से वही नारियल मिल जाता है और यहाँ पे पुलिस का शक 100% कंफर्म हो गया था। और इधर सोनू दुकान से भी मिसिंग था क्योंकि उसे किडनैप कर लिए थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वही गर्लिन के घर वाले सोनू को किडनैप करके अमृतसर ले जा रहे हैं और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली इसका स्टोरी आधा रहा है, तो स्टोरी तो हमें सीजन 2 में पता चलेगा, लेकिन मैं दो थ्योरीज के बारे में बता देता हूँ कि सोनू यहाँ पे खूनी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं सोनू यहाँ पे खूनी हो सकता है की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा कपूर ने ही इसका ब्रेकअप करवाया, सोनू का ब्रेकअप करवाया। मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग मोटिव तो नहीं लग रहा है, फिर भी मान के चलते हैं सोनू ने कपूर को कैसे मारा होगा। तो उस दिन जब कपूर वो ऑर्डर किया, वो चाइनीज वाला चाइनीज रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया और साथ ही साथ सोनू भी ऑर्डर किया था, तो जब वो डिलीवरी वाला ऑर्डर लेके आया तब शायद सोनू ने दो कुरियर जो वो कुरियर वाला लेके आया उसमें से एक कुरियर कपूर का था, तो वो वाला कुरियर शायद सोनू ने देख लिया। तो यहाँ पे पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना कहाँ पे डिलीवरी होने जा रहा है, तो वही शायद सोनू ने देख लिया। और तुम सफाई बाहर सफाई करो, एक एक वो दोनों ही कुरियर अंदर ले जाता है और एक कुरियर में वो जहरीला ब्रोमेथिलीन मिला देता है। तो नेक्स्ट डे खाने के बाद 10-12 घंटा तो हो गया था, तो नेक्स्ट डे वो मर जाता है, मिस्टर कपूर मर जाता है। ये थ्योरी पर्सनली मुझे थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि मोटिव भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लाइक तुम किसी का ब्रेकअप करवा दोगे वो थोड़ी ना तुम्हें मार ही देगा। सो यहाँ पे मोटिव भी वीक लग रहा है। और एक बात, क्योंकि पहले ही एपिसोड में हमें बताया गया कि मिस्टर कपूर डायबिटिक थे, तो ये जहर से तो वो 30 मिनट या फिर एक घंटे में मर जाते। तो अगर सोनू ने मारा होता, मतलब वो खाने में जहर मिलाया होता, तो उसी रात को ही मिस्टर कपूर मारा जाता। तो ये लेके आते हैं थ्योरी 2 पे, जो कि सोनू खूनी नहीं है। क्योंकि हमने मतलब सीरीज भर में देखा ये सोनू का किस्मत कितना खराब है, मतलब पूरा जेठालाल वाला किस्मत है उसका। पहले तो कोई पैंट चुरा लिया और वो केक वाला किस्सा, तो ये सब देख के पता चलता है कि सोनू का किस्मत भी बहुत खराब है। और तो और हमें डायरेक्टली दिखाया नहीं गया है कि सीरीज में कि सोनू यहाँ पे कोई खाने में जहर मिला रहा था। लाइक हमें इतना ही दिखाया गया है कि वो वही लड्डू में जहर मिला रहा था जो कि वो चूहा खा के मर गया। और यहाँ पे रॉन्ग टाइमिंग में सब कुछ हो रहा था। लाइक जब वो पुलिस वाला ढूंढ रहा था सोनू को, उसका फोन नहीं लग रहा है। और तो और जब लास्ट में उसे पकड़ने वाले थे तब सोनू को गर्लिन के घर वाले किडनैप करके ले गए, तो इससे पुलिस वालों को लगा कि सोनू भाग रहा है और ज्यादा से ज्यादा शक यहाँ पे सोनू के ऊपर हो जाएगा। और तो और लास्ट में वो नारियल का, मतलब वो नारियल को भी सोनू ने अपने ही डस्टबिन में डाला हुआ है। तो ये रहा मेरा सेकंड थ्योरी, जैसे कि सोनू का किस्मत बहुत खराब है और वो इन सब मामलों में फंसता ही जा रहा है। तो ये रहा मेरा दो थ्योरी। और सीरीज में सोनू ने कन्फेस भी अभी तक नहीं किया है कि उसने ही मर्डर किया है, तो ये सब स्टोरी तो हमें सीजन 2 में पता चलेगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।